साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो आपकी 24 अक्टूबर 2021 को पीसीएस की परीक्षा होनी है, उसके लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी अभी हाल ही में जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं उन प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं, क्योंकि पूरी संभावना है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रश्न पत्र अभी हाल के समय में कराए गए उनके कई सारे प्रश्न आपको 24 अक्टूबर की परीक्षा में दिखाई पड़ सकते हैं या उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए परीक्षा के पहले हमें इन परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं जो भी हम हल कर सकते हैं उन्हें यहाँ पर देख लेना आवश्यक है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर जो 3 अक्टूबर 2021 को लोक सेवा आयोग के द्वारा स्टाफ नर्स की परीक्षा कराई गई थी उसमें जो है पूरे उस प्रश्न पत्र में 170 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक जो है आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद उसमें 30 से लेकर 50 तक जो है हिंदी के प्रश्न हैं, उनको भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आरओ के टाइम में देख लेंगे। अब जो 50 से 170 तक प्रश्न हैं ये जो है आपके साइंस से और मेडिकल संबंधित प्रश्न हैं, और ये जो 50 से लेकर 170 तक प्रश्न हैं इसमें बहुत सारे जो हैं साइंस के ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में उस प्रकार के प्रश्न पूछता है या पूरी तरीके से पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी रहेगी। इसलिए ये 50 से लेकर 170 तक प्रश्न जो हैं, मतलब 120 प्रश्न, इन्हें आपके लिए देख लेना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और जहाँ व्याख्या की जरूरत है उसको हम लोग थोड़ी व्याख्या भी कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसमें थायमिन की कमी से आपका बेरी जो रोग होता है वो आपका होता है, तो थायमिन अर्थात विटामिन B1 होता है। वहीं जो पेलाग्रा होता है ये आपका विटामिन B5 अर्थात नियासिन की वजह से होता है, जिसे विटामिन B5 को नियासिन कहते हैं। और वहीं स्कर्वी रोग जो है ये आपका विटामिन C अर्थात स्कर्विक एसिड की वजह से की कमी से होता है। आगे चलते हैं, 100 दिनों की खांसी कथन किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका पर्टुसियस या काली खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह वर्ड। अगला है, ये आपका कोर मेडिकल का है, इसको छोड़ दीजिए आप। इसी प्रकार से अगला देखिए, ये भी 54 नंबर भी एकदम कोर मेडिकल का है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, बिना किसी बाह्य उत्तेजना के झूठी अनुभूति को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हैलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। अगला है, अपगार स्कोर में निम्न से कौन सा पैरामीटर सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये भी मेडिकल का ही है, परंतु एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें हृदय गति, मांसपेशी का टोन, बच्चे का रंग ये सम्मिलित होता है, परंतु रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर जो है ये सम्मिलित नहीं होता है। आगे देखते हैं, 2 सूचियां हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। देखिए, अपर्याप्त प्रकाश इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपका खनिक निस्टेगस है, तो 3 से मिलाइए। अत्यधिक ऊंची ध्वनि इसकी वजह से रेनार्ड रोग होता है, ठीक है, अत्यधिक ऊंची ध्वनि की वजह से क्या होगा? एकाग्रता में कमी व चिड़चिड़ापन आएगा, तो 1 से सम्मिलित करिए। अत्यधिक कंपन से जो है आपका यह रेनार्ड रोग है, और उच्च दबाव पानी के अंदर, तो ये आपका जो है ये कैशन रोग से संबंधित है। इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों में वृद्धि व विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये भी आपका पूरी तरीके से मेडिकल का ही है, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, भारत में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका 1971 में पारित हुआ था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किन दवाओं के द्वारा एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण इनके दुष्प्रभाव के रूप में उत्पन्न होते हैं? तो एंटी साइकोटिक दवाओं की वजह से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्त्राव रोधी विटामिन है? तो जो विटामिन के होता है आपका विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, ये आपके जो रक्त का थक्का नहीं जमता या रक्त स्त्राव जो अधिक होता है उसको रोकने में मददगार होता है। वहीं विटामिन ए की वजह से की कमी से रतौधि और जीरोफ्थेलमिया नामक रोग होता है, ठीक है। और वहीं जो विटामिन डी जिसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेटस और ये छोटे बच्चों में बेस्ट में ऑस्टोमेलिसियस नामक रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना होता है। अगला है, RT-PCR काफ़ी चर्चा में रहा है, RT-PCR का अर्थ क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बुद्धि का स्तर और IQ सीमा का विस्तार है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, इडियट का कितना होता है? 0 से लेकर 24 तक, तो 3 से मिला दीजिए। इम्बेसाइल का जो है आपका 25 से 49 है, मोरून का जो है ये 50 से 59 है, जबकि सामान्य व्यक्ति का 90 से 109 होता है। इस प्रकार से 3, 2, 1, 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्भाशय के किस भाग को लिविंग लाइगेचर के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका मायोमेट्रियम के बीच का स्तर होता है, सी ऑप्शन। एक रक्त स्त्राव विकार जो कारक
8 व 9 की कमी के कारण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। और हीमोफीलिया जो है यह मुख्यतः पुरुषों में होता है, तो मुख्यतः पुरुषों में होता है मतलब स्त्रियों में भी होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र मतलब एक्स जो दोनों एक्स गुणसूत्र हैं वो प्रभावित होते हैं और इसकी वाहक कौन होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कौन से हार्मोन यौन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो जो आपके एंड्रोजन और एस्ट्रोजन होते हैं ये आपका यौन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कुत्ते के काटने पर सर्वप्रथम क्या इलाज करना चाहिए, तो इसको सबसे पहले साबुन व पानी से घाव को साफ करना चाहिए। अगला है इनमें से कौन सा कथन आवासीय मानकों के अनुसार असत्य है। तो देखिए आवास के छत की न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 खिड़कियां होनी चाहिए, ये भी सही है। खिड़कियों की ऊंचाई कमरे की दीवारों पर 3 फीट होना चाहिए, ये भी सही है। परंतु डी वाला प्रत्येक कमरे में 6 फीट ऊंची ऊंचाई की 2 दरवाजे होने चाहिए, ये सत्य नहीं है, डी ऑप्शन। अगला है वेंट्रिकल संकुचन के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और याद रखिएगा कि रक्त के समय में जो रक्त में थायरॉक्सिन व एड्रिनेलिन होता है, एड्रिनेलिन ये स्वतंत्र रूप से होते हैं और ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। इसके अतिरिक्त रुधिर में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रुधिर के पीएच मान को कम करके मतलब उसकी अम्लीता को पीएच मान जब पीएच वैल्यू कम होगा तो अम्लीता बढ़ेगी, पीएच वैल्यू अधिक होती है क्षारीयता बढ़ेगी, तो पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीता जो है हृदय की गति को बढ़ाता है, हार्ट बीट आपको बढ़ा देगा ये अम्लीय होगा, और क्षारीयता जो होती है वो हृदय की गति को कम करती है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं आग से गंभीर रूप से एक जले मरीज के, तो ये भी आपका पूरी तरीके से मेडिकल का हिस्सा छोड़ दीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन, सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव हैं सिवाय प्रति व्यक्ति आय, गरीबी भोजन धर्म है परंतु प्रति व्यक्ति आय ये जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव नहीं है। अगला है एनफाइलेटिक स्तंभता के इलाज में कौन सी दवा सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो एड्रिनेलिन होती है। अगला है बड़े पैमाने पर जल को स्वच्छ बनाने की विधि में कौन सा चरण शामिल नहीं है, तो देखिए जल संग्रह सही है, डिसइन्फेक्शन ये भी सही होता है, फिल्ट्रेशन ये भी होता है परंतु स्क्रीनिंग नहीं होती है, सी वाला सही नहीं है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यह सभी के लिए नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। यह नर्सिंग ज्ञान की प्रगति में सहायता करता है, यह भी सही है। यह सुयोग्य व संतुष्ट नर्सिंग कार्यबल बनाना सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। और डी विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर है, तो यह गलत है। अगला है जब एक औरत एक ही समय में एक से ज्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, इसे पॉलीएंड्री के नाम से जाना जाता है। और जो एक पुरुष जो है कई महिला उस व्यवहार करते हैं उसे पॉलीगेमी कहते हैं। अगला है ह्यूमरस के मिड सेफ्ट के टूटने पर निम्नलिखित में से किस तंत्रिका को चोट लगने की संभावना होती है, तो अल्नर तंत्रिका को या अल्नर नर्व। अगला है कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है एक कंप्यूटर में त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना को संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है, तो यह है आपका एड्रेस बुक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है, देखिए इसके प्रमुख अंगों में विश्व स्वास्थ्य सभा है अर्थात वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, सचिवालय है, परंतु सियासी बोर्ड गवर्निंग बॉडी इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और 7 अप्रैल को ही इंगित करते हुए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी एक थीम भी होती है। इस बार की जो थीम रही है 2021 की वह इंग्लिश में जो है इट इज़ टाइम टू बिल्ड अ फेरियर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन एवरीवेयर। यदि हिंदी में देखें तो एक निष्पक्ष एवं स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये 2021 की थीम रही है। आगे चलते हैं DMPA एक इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाला गर्भ निरोधक है जो कितने अंतराल पर दिया जाता है, तो ये प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर दिया जाता है। डिलीटेड ईमेल जो होता है ये कहाँ होता है, तो ये जो है आपका कहाँ स्टोर होता है, ट्रैश में स्टोर होता है। अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये परिपक्वता मेच्योरनेस कहलाता है अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सामान्यता स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कार्ड के किस लेवल पर दिया जाता है, तो ये भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है हमारे लिए, इसका बी सही है। वैसे RH फैक्टर के बेमेल होने से क्या हो सकता है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकता है। देखिए थोड़ा सा RH फैक्टर के बारे में देख लेते हैं, तो RH फैक्टर की जो खोज है
ये लैंडस्टीनर और बीनर ने जो है 1940 में किया था। और ध्यान रखिएगा आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर जो है एक प्रकार का एंटीजन होता है, एक प्रकार का एंटीजन होता है। जैसे कि रक्त में क्या है आपके, आपके दो एंटीजन होते हैं, ठीक है, ए और बी, दो एंटीजन होते हैं, दो एंटीबॉडी होते हैं। तो जो कैपिटल ए कैपिटल बी है ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी एंटीबॉडी को। तो इसी प्रकार से जो आपका आरएच फैक्टर है ये एंटीजन होता है, ठीक है। और इसका पता रीसस बंदर में से लगाया गया था, इसलिए इसका इसको आरएच फैक्टर कहते हैं। जिनमें आरएच ये एलिमेंट होता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं होता उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। तो ये जो आपकी ये जो अवस्था है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसमें होता क्या है, यदि पिता का रक्त आरएच प्लस है मतलब उसमें आरएच है, तथा माता का रक्त आरएच माइनस है मतलब उसमें आरएच वाला तत्व नहीं है, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था तथा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, और ऐसा पहले संतान के बाद वाली जो संतान मतलब दूसरी संतान की स्थिति में होता है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा, रक्त आधान मतलब जो रक्त चढ़ाया जाता है तो उस समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस वाले को आरएच प्लस वाला रक्त दिया जाता है, आरएच माइनस वाले को आरएच माइनस वाला रक्त दिया जाता है। और वहीं यदि आरएच प्लस रक्त वर्ग का रक्त आरएच माइनस वाले को चढ़ा दिया जाए तो पहली बार कम मात्रा होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दूसरी बार भी यदि इसी प्रकार का ब्लड चढ़ाया जाएगा तो अभिश्लेषण अर्थात एग्लूटिनेशन के कारण जो आरएच माइनस वाला व्यक्ति होगा वो मर जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक सेकेंड यहाँ पे और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं इसी में। जैसे टर्नर का सिंड्रोम, जो टर्नर का सिंड्रोम है इसके बारे में याद रखिएगा, इससे ग्रसित कौन होती हैं, इससे ग्रसित स्त्रियाँ होती हैं। टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित होती हैं वो स्त्रियाँ होती हैं। इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 45 हो जाती है। कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। और इसमें शरीर अल्पविकसित कद छोटा था वच चपटा होता है, और जननांग प्राय अविकसित होता है जिससे वे बांज होती हैं। और दूसरी बात, जो क्लीने फिल्टर सिंड्रोम होता है, क्लीने फिल्टर सिंड्रोम, इससे जो है पुरुष जो है ग्रसित होता है, और जब पुरुष इससे ग्रसित होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, और इससे ग्रसित व्यक्ति जो है नपुंसक होता है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न 84, मुंह से दुर्गंध के संदर्भ में निम्न सही कथन कौन से हैं, सिवाय तो देखिए गंदा श्वास, गंध पैदा करने वाले जीवाणु, गंधक के यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु, ये सब सही है, परंतु सी वाला देखिए कार्बन यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु ये गलत है। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पैर के घाव से लगातार खून बह रहा तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जिस जगह से खून बह रहा उस जगह पर साफ विसंक्रमित पट्टी से सीधा दबाव बनाते हुए पट्टी बांधी जाएगी। अगला है, इनमें से कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है, तो देखिए हुकवर्म बीमारी जो है ये व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है, हुकवर्म बीमारी, जबकि स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से कमी हो सकता है, सूखा रोग या रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है, यदि निषेचित डिंब सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित व विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा मच्छर ताज़ा पानी के कृत्रिम संग्रह में प्रजनन करता है, तो एंडीज मच्छर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंडीज मच्छर जो है ये आपके ताज़ा पानी में प्रजनन करता है। किस स्वास्थ्य समस्या में प्रकाश चिकित्सा लाभदायक हो सकती है, तो नवजात पीलिया में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग के द्वारा होता है, तो पित्त का निर्माण जो है आपका लीवर अर्थात यकृत से होता है। तो यहाँ कुछ चीज़ों को और याद रखिएगा, जैसे जो पित्त होता है ये क्षारीय द्रव होता है, और ये कहाँ एकत्र होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है, तो ये क्षारीय द्रव होता है आपका। इसके अतिरिक्त जो यकृत होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जो यकृत के जो प्रमुख कार्य हैं उनको भी एक बार ध्यान रखिएगा कि भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट कुछ भाग को वसा में परिवर्तन करने का कार्य जो है ये यकृत के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त यकृत में ही फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, जबकि इसी में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीपेरिन कहते हैं और ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। इसके अतिरिक्त रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने का कार्य भी जो है वो यकृत ही करता है, शरीर का तापमान मेंटेन करने का काम भी यकृत ही करता है। इसके साथ ही यदि अग्नाशय की बात करें पेंक्रियाज की, तो ये जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ ये होती हैं। आगे चलते हैं,
दो सूचियां सुमिलित करना है। देखिए संज्ञानात्मक अधिगम ये कौशल से संबंधित है, प्रभावी शिक्षण ये आपका दृष्टिकोण संबंधित है, साइको मोटर लर्निंग ये कौशल से संबंधित। इस प्रकार से आपका 2, 3, 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जन्म के समय कम वजन के शिशु को परिभाषित किया जाता है 250 ग्राम से कम हो, यदि 250 ग्राम से कम हो तो वो कम वजन का होगा, मतलब 2.5 किलोग्राम से। अगला है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो पानी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं, BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग पानी के लिए, बी ऑप्शन। मैंकवेन साइन किस बीमारी पाया जाता है, तो ये जो है आपका हाइड्रोसेफलस में पाया जाता है। सामान्यतः नाक के कैनुला द्वारा ऑक्सीजन देने का क्या दर या मात्रा होनी चाहिए, तो यह है 1 से 4 लीटर प्रति मिनट। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो खसरा है यह जल जनित रोग नहीं है, जबकि टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हैजा, ये सब जल जनित रोग हैं। तो देखिए खसरा जो होता है ये आपका वायरस से होने वाला मोरबिली वायरस से होने वाला एक रोग है, ठीक है, और वहीं टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है, और कौन से बैक्टीरिया से, तो सॉल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, और हैजा भी जो है आपका बैक्टीरिया से ही होता है, और किस बैक्टीरिया से, तो बी ब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है, और जो हेपेटाइटिस ए है ये वायरस से होने वाला या विषाणु से होने वाला रोग है। अगला है, प्रसवोत्तर अवधि प्रसव के कितने सप्ताह बाद तक होती है, तो ये आपका 6 सप्ताह तक। यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे चलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो शीतलक मतलब कूलेंट्स में होता है। अच्छे अभिलेखन तथा प्रतिवेदन के लक्षण क्या हैं, शुद्धता, संक्षिप्तता और संपूर्णता, ये सभी डी सही हो जाएगा। अगला है, प्रसोत्तर रक्त स्त्राव का मुख्य कारण कौन सा है, तो ये एटोनिक गर्भाशय है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एंटीसेप्टिक व कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग नहीं होता, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों के रूप में होता है, फिनाइल जो है ये भी होता है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये ऑक्सीकारक के रूप में तो मतलब ये कीटाणुनाशक के रूप में तो प्रयोग होता है, परंतु एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं होता है, जबकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये दोनों के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में इत्यादि में प्रयोग होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। आगे चलते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन, माँ के स्तन से बाद में निकलने वाला जो दूध होता है हाइंड दूध में ज़्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो वसा तथा विटामिन ए व विटामिन ई पाई जाती है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं दुर्घटनाग्रस्त एक बेहोश व्यक्ति में सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए, तो उसमें जो है आपका श्वास नली का साफ होना व पेटेंट होना देखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जगह बाल अपराधियों से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें जहाँ तक शेल्टर होम जो है, यदि आपको इसका सही उत्तर पता तो आप बता सकते हैं, परंतु इसका जो होना चाहिए शेल्टर होम जो है ये संबंधित जगह नहीं है। सुधारात्मक विद्यालय, बोस्टल स्कूल, प्रोवेंशन हॉस्टल, ये सब हैं। आगे चलते हैं, दो सूचियाँ देखिए इन्हें मिलाना है, तो देखिए लाल बैग में दस्ताने, पीले बैग में पट्टी, नीला सफ़ेद पंचर प्रूफ बैग इसमें सुइयाँ, काला बैग स्टेशनरी कूड़ा, इस प्रकार से 2, 1, 4, 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक कटे हुए तालू के बच्चे को स्तनपान कराने कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है, तो अपराइट। अलीगूरिया का मतलब क्या होता है, 24 घंटे में 400 मिलीलीटर से कम मूत्र होना, ये अलीगूरिया होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मल से प्रदूषित जल का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सूचक है ई कोलाई, इसमें ई कोलाई ज़्यादा पाए जाएंगे। उन्माद रोग में प्रथम प्रगति का उपचार कौन सा है, तो इसका है लिथियम। किस तरह का पेल्विस सबसे ज़्यादा पाया जाता है तथा किस प्रसव के लिए आदर्श होता है, तो यह है आपका गायनेकाइड। स्वास्थ्य निगरानी के क्षेत्र में EHR का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है। आगे चलिए, मरते हुए व्यक्ति के 5 चरण का सही क्रम क्या है, तो इनकार, क्रोध, सौदा, अवसाद, स्वीकार। भारत में संस्तुत अधिकतम शोर का स्तर कितना है, 85 डेसिबल, 85, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा, 85 डेसिबल। अगला है, पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव का प्रथम चरण लगभग कितने अवधि का होता है, लगभग 12 घंटे का। टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, कैल्शियम देना। गैस्ट्राइटिस पैदा करने वाला मुख्य जीवाणु कौन सा है, तो यह है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। अगला है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति को कम से कम प्रत्येक दिन कितने घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे।
ड्रॉपलेट संक्रमण को रोकने में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण सबसे ज्यादा सहायक होता है? मास्क लगाना। प्रबंधन में निम्न सभी कार्य किए जाते हैं सिवाय प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, कोऑर्डिनेटिंग की जाती है, पर डिटेक्टिव डिक्टेटिंग नहीं किया जाता है, तानाशाही नहीं की जाती है। किस दवा के सेवन से पेशाब का रंग लाल हो जाता है? तो ये जो है आपका रिफॉम्पिसिन की वजह से लाल होता है। निम्न में से किस स्थिति में गर्भनाल प्लेसेंटा के मार्जिन या किनारे पर जुड़ा रहता है? तो बेट लडोर प्लेसेंटा। प्रोस्टा ग्लैंडिन का मुख्य कार्य क्या है? तो गर्भाशय कोष के संकुचन को बढ़ाना। अगला है, कंप्यूटर के जिप फाइल में क्या होता है? तो विशाल डेटा को कम जगह में दबा कर रखने का कार्य जिप फाइल करता है। आगे चलते हैं, भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है? तो 21 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 21 दिनों के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, सी ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वयस्क व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण का क्या शेड्यूल है? तो जन्म के बाद 0 माह, 1 मंथ और 6 मंथ पर। अभिकथन कथन कारण वाला प्रश्न है, देखिए कथन है कि परावैगनी किरणों को जल शोधक के रूप में उपयोग हतोत्साहित किया जाता है, तो ये यहाँ पर जो है प्रोत्साहित होना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका अवशिष्ट प्रभाव नहीं रहता। यदि यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाए तो ये आपका डी वाला ऑप्शन कि ए और आर कथन कारण दोनों सही और जो कारण है वो व्याख्या कर रहा है। अगला है, उदर के निम्न अंगों में से किस में पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं? तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? छोटी आंत में ये पाए जाते हैं। कंप्यूटर में की लॉगर यहाँ देखिए, की लॉगर से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो वास्तविक समय के साथ कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों को की स्ट्रोक सहित रिकॉर्ड करता है। आगे चलते हैं, एल्जाइमर रोग का मुख्य कारण लक्षण क्या है? तो हाल की स्मृति का क्षय होना। एक सामान्य गर्भावस्था में कुल कितने आयरन की आवश्यकता होती है? 1000 मिलीग्राम की। फोबिया किसका अतिरंजित या अनावश्यक रूप है? तो चिंता का, एनएक्सटी का, या एंजाइटी कह सकते हैं। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के खून में सफेद रक्त कोशिकाओं जो WBC होता है, WBC की संख्या कितनी होती है? 4000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर खून में। अपुष्टिकर व अखाद्य पदार्थ खाने के लगातार इच्छा को क्या कहते हैं? इसे पाइका कहते हैं। भारत में पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2012 में। सामान्यता आंख की पुतली चौड़ी करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रॉपिका माइट का प्रयोग किया जाता है, ट्रॉपिका माइट का। आगे देखते हैं, एक ऐसी स्थिति, इसको छोड़ दीजिए। अगला है, डिफ्थीरिया रोहिणी गलघोटू रोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, डिफ्थीरिया जो है एक जीवाणु के द्वारा होता है, सही है। और कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया की वजह से होता है। दूसरा, सिक परीक्षण से एक व्यक्ति में डिफ्थीरिया टॉक्सिन के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में पता किया जा सकता है? सी, डिफ्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन तंत्र के भाग को प्रभावित करता है, ये आपके श्वसन नली को प्रभावित करता है, तो सी वाला आपका सही नहीं है। वहीं डिफ्थीरिया का उद्भव समय 2 से 5 दिन होता है, ये सही है। नीचे दिए गए टीकों में से कौन सा टीका गर्मी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है? तो ये आपका पोलियो का टीका है। आगे चलते हैं, नाखून काटने के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथन सत्य हैं सिवाय किसके? अंगुली के नाखून एक दिशा में काटना चाहिए, बिल्कुल सही। पैर के अंगुलियों के नाखून सीधा आर पार काटना चाहिए, ये भी सही है। नाखून को एक कोने से काटना चाहिए, ये भी सही है, परंतु डी वाला, नाखून को कम से कम प्रत्येक 15 दिन पर काटना चाहिए, ये सही नहीं है आपका, तो डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फेटिक अंग तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए, टॉन्सिल है, थाइमस है, स्प्लीन अर्थात प्लीहा है, परंतु अग्नाशय या पैंक्रियास इसका अंग नहीं है। अगला है, सभी शहरी समाज के लक्षण क्या है सिवाय जनसंख्या कुछ घनत्व होता है शहर में, विषमता होती है, गुमनामी होती है, सही, परंतु कृषि उन्मुख होना ये आपका ग्रामीण क्षेत्र का लक्षण है, ना कि कृषि समाज का, शहरी समाज का, डी वाला आपका सही है। किस बीमारी में मरीज की जो लेटरिन होती है वो चावल के पानी या माड़ की तरह होती है? तो जो हैजा बीमारी होती है, हैजा जो कि विब्रियो कॉलरी की वजह से होती है और आँत से संबंधित होती है, इसमें होता है। अगला है, शरीर के दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, ये भी सही है। डिओड्रेंट का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है, परंतु महामारी के समय स्नान से बचना चाहिए, ये गलत है आपका। अगला चलते हैं, ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम का सबसे मुख्य लक्षण कौन सा है? तो इसका है आपका ए वाला, क्लेमाइडिया
ट्रेकोमेटिस, ये आपका पूरी तरीके से मेडिकल का प्रश्न है, ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अगला है डायूरेटिक दवाएं सामान्यतः किस समय दिया जाना चाहिए, सुबह के समय में। अगला है निम्न कथनों पर वक्तव्यों पर विचार करना है। कथन है विकासशील देशों में अपरिपक्व शिशु की देखभाल में KMC एक महत्वपूर्ण विधि है। कारण यह विधि अपरिपक्व शिशु के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने में, शारीरिक वृद्धि में एवं संक्रमण दर को कम करने में सहायक होता है। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 149 नंबर प्रश्न देखते हैं। बंद जगह में बहुत ज़्यादा डर लगने को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्लास्ट्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन। गैस गैंग्रीन का मुख्य कारक कौन सा है, तो इसका क्लास्ट्रिडियम परफ्रीजेंस है। अगला है किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय का मुख बंद रहता है, गर्भाशय में से कोई भी ऊतक बाहर नहीं निकलता है, तो संभावित या तार्जित गर्भपात में, तो ये भी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। आक्रामक या रक्षात्मक तंत्र जो द्वंद्वात्मक घटनाओं या स्थिति को चेतन स्मृति से बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दमन रिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। किस रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो जो ओ ग्रुप वाला होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वहीं जो AB ग्रुप होता है उसे सर्वग्रहता या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार रहा है, तो मेथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अगला है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है, जांघ के बाहरी भाग में। इक्लेम्पेशिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है, तो ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है, देखिए WHO के कुल 6 क्षेत्रीय संगठन हैं और भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो क्षेत्र है इसके तहत आता है, और भारत जो है मतलब नई दिल्ली, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के नई दिल्ली में है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का जो क्षेत्रीय संगठन है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है, और इसके अतिरिक्त जो 5 है उनके नाम याद रखिएगा, अफ्रीका क्षेत्र है, अमेरिका क्षेत्र है, यूरोप क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है, ये 4। 2 और जो है इसमें से एक पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र है, और 6 जो है वो पश्चिमी पैसिफिक जो क्षेत्र है वो है आपका। ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे हुए खून को पोंछने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है, करना चाहिए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभि सिरा के बंद होने से क्या बनता है, तो इससे लिंगामेंट्स टेरिस बनता है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन होता है, तो जो RBC होता है रेड ब्लड सेल उसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। वहीं जो WBC होता है वाइट ब्लड सेल ये 2 से 4 दिन, और रक्त बीमारू या जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी 3 से 5 दिन। आगे चलते हैं, प्रथम 2 निचले कृंदक दांत सामान्यतः किस समय निकलते हैं, तो ये आपके 10 से 12 माह के टाइम पीरियड में निकलते हैं। आगे चलते हैं, गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन शीघ्र कब महसूस होता है, तो ये आपका 16 सप्ताह में। अगला है ये भी आपका, इसको भी मेडिकल का छोड़ दीजिए, एक बार देख लीजिए इसका उत्तर। निम्न से कौन संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का सूचक होता है, तो ये जो है आपका CDS4 कोशिकाओं की संख्या 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, डी वाला। मनुष्य के भौतिक सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है आपका समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, तो प्रोलैक्टिन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है प्रोलैक्टिन। प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव डायलेटेशन किस को कहते हैं, कितना होता है, ये 10 सेंटीमीटर। अगला है 2 सूचियाँ इन्हें सुमिलित करना। प्रेरणा क्या है, कुछ विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊर्जावान होना, 4 से सुमिलित करिए। निराशा, किसी इच्छा या आवश्यकता को अवरुद्ध करना, 3। टकराव, व्यक्ति में 2 या अधिक विरोधाभासी इच्छाओं का होना, 3। तनाव, मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान, 1। तो 4321 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हेपेटाइटिस बी का टीका किस तरह या रूट से लगाया जाता है, तो ये जो है मांसपेशी में लगाया जाता है। एसिड फास्ट वैसिलाई को देखने के लिए किस अभिरंजन विधि का उपयोग किया जाता है, तो जीहल निलसन अभिरंजन का। अगला है, 2 से 12 माह के बच्चों में कौन सा श्वास दर निमोनिया का सूचक होता है, तो उनकी श्वसन दर जो है 60 प्रति मिनट से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये जो भी साइंस के प्रश्न थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें एक बार आप जरूर देख के जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।